आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूडा मुतासरीन कमेटी के मरकजी रहनुमा और रुकन पंजाब असेंबली पीर अशरफ रसूल ने दावा किया है कि रावी अर्बन प्रोजेक्ट में इसराइल की सरमायाकारी करवाई गई। इस मंसूबे की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी और उनकी जमात के इन्वेस्टर गौहर एजाज हैं। चंद लोगों के गुर्दों के इलाज का दिखावा करके गौहर एजाज 8 लाख घरानों के गुर्दे निकाल कर फरोख कर रहे हैं। मियाँ इस्लाम इकबाल को रूडा पर कार्रवाईयों के लिए लाया गया, वो ज़ाती अनाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुतासरीन की आवाज़ उठाने पर समा को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये गुफ्तगू उन्होंने समा के नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर को इंटरव्यू देते हुए कही। बखैर पाकिस्तान का ये दुनिया के एशिया का कम से कम सबसे बड़ा स्कैंडल है ये करप्शन के अतबार। सुबह के जो ब्रेन चाइल्ड है जिसका ब्रेन से ये पैदा हुआ है वो बुशरा बीबी और अनिल मुसरत है, वो सिर्फ करप्शन है और इतनी करप्शन है कि शायद मेरी गिनती नहीं पूरी होती, मेरा कंप्यूटर कैलकुलेटर काम नहीं करता। सूबाई हुकूमत इनकी आई है तो पहली तकरीर इमरान खान की यही थी रूडा इफ्तिताकर ने, रूडा सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, हाईकोर्ट ने मना किया, इफ्तिताकर ने चला गया, लेकिन लोगों ने रिस्क किया इसलिए उस वक्त नहीं कर सके। जब आपने किसी चीज़ के लिए अरबों रुपए ना खरीद पकड़ लिए हो ना ले लिए हों टोकन देने के तौर पर दूसरी कंपनियों से मिलकर, सारी बैरूनी कंपनियाँ जिनको ये दे रहे हैं, पाकिस्तान में जो हैं जो कंपनियाँ हैं 51% जो प्राइवेट हैं इनके पीछे मालकान वही हैं। एक तो वो हमारा स्मार्ट सिटी वाला मालिक है वो है, और इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो गौहर एजाज साहब, वो हमारे जनाब वहाँ पे 8 लाख मकान गिरवाने में सबसे बड़ा इन्वेस्टर, मतलब वो भी मेन इन्वेस्टर है। 8 लाख मकान वहाँ पे गिरने हैं और मेरे ख्याल से 8 लाख फैमिली के गुर्दे वो बेच रहा है चंद लोगों के गुर्दों का इलाज करने के लिए। गौहर एजाज साहब बड़ा पॉजिटिव काम जो कर रहे होते हैं ये दिखावा छोड़ दें, स्मार्ट सिटी वाले भी दिखावा देख रहे हैं। और ये केस भी रूडा का जो है ना ये 3 जज ने, ये फुल बेंच सुनने वाला केस है क्योंकि इसमें कानूनी सारी खिलाफ वर्जी हुई है। मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप इशारा ये कह रहे हैं कि यूएई को दिखाकर इसराइल को शायद पाकिस्तान के अंदर लेके आया जा रहा है, इसका मेन जो बेनिफिशियल है वो इसराइल है। मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ तो नाम ले रहा हूँ, अब मुझे आप कहेंगे सबूत दें, अब सबूत देने के लिए मेरे पासपोर्ट में मुझे ज्यादा देना है एनओसी दे। आवाज उठा रहे हैं तो समा के खिलाफ जो है कार्रवाइयां शुरू हो गई। मैंने कहा ना जिन आपको मैंने कहा कि विक्टिमाइजेशन नहीं सिर्फ होती, विक्टिमाइजेशन क्या होती है कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें कोई हो सकता है कोई गुजरात में पर्चा करा दे मेरे की बात उसमें करा दे। जेनोसाइड उसको कहते हैं कि जब आपकी नस्लों को तबाह करना चाहते हैं। रूडा जो है ये जेनोसाइड हो रहा है, उस हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, हमारी फसलों को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की ये जो ना एक ये छोटा सा एटम बम जो कहते हैं एटम बम में सुट दें यार, ये छोटा सा एटम बम भेज रहे हैं जिससे लाहौर और शेखुपुरा और ये की आबादी तबाह होगी। अब ELDA के चेयरमैन उनको लगाया है वजीर हैं क्या ना असलम इकबाल साहब, तो असलम इकबाल को उन्होंने लगाया इस्तेमाल करने के लिए, असलम इकबाल को खुद नहीं पता उसके साथ होने के हवाले है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उनको ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जो ज़ाती बुनियाद पर आप पर्सनल लेवल पर होना चाहिए, शरीफ आदमी इस मामले में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा है। ELDA करेगी नाम उसका आएगा, ठीक है। असल में उन्होंने ELDA का चेयरमैन ELDA का जो DG लगाया 19वें ग्रेड का मुझे अमर कुछ तरह नाम है, उसको वो टास्क यही है। अब वहाँ पर रूदा अथॉरिटी भी है, ऑपरेशन ELDA भी करता है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामी भी करती हैं, और जिस वक्त इनके पास सिर्फ 3, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी ज़मीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपने खरीदनी, इन्होंने जाली इंतकाल चढ़वा के 8,000 एकड़ जो उनको शो करना था पहले फेज में वो उस वक्त दिया गया।